स्टूडेंट्स, दिस इज करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स से। अब ये क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स हम लोगों ने अपने 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड हर में पढ़ा है। भाई जब भी कोई लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके एक प्लेन फिगर बनाया जाता है तो उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। पर अगर वो पॉलीगॉन में सिर्फ 4 साइड्स होती है तो हम लोग उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। वी आर फेमिलियर विद प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, दे आर नोन एज पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल 4-साइडेड पॉलीगॉन है जिसके अंदर 4 साइड्स होती है। क्वाड्रिलेटरल के मेन एग्जाम्पल क्या है? ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। इस चैप्टर में ना अपन पैरेललोग्राम के रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम्स भी हैं, तो अपन को उस अकॉर्डिंगली अपन प्रिपेयर करेंगे। पैरेललोग्राम क्या होता है? वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो एक दूसरे से पैरेलल होती है और एक दूसरे से इक्वल होती है। एक दूसरे से पैरेलल और एक दूसरे के इक्वल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है वैसे ही तुम्हारे रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, ये तीनों क्वाड्रिलेटरल है पर पैरेललोग्राम भी है। कैसे? रेक्टेंगल में भी 2 इक्वल साइड्स होती है, भाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये जो होते हैं भाई तुम्हारे, ये तुम्हारी पैरेलल भी होती है, तो ये इसीलिए पैरेललोग्राम है। रोम्बस में 4 साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, इसलिए ये तुम्हारे क्या है, ये भी तुम्हारा पैरेललोग्राम है। और स्क्वायर में भी सेम है भाई, 4 साइड इक्वल और तुम्हारी जो, तुम्हारे जो क्या, तुम्हारी दोनों पैरेलल भी होती है, तो इस वजह से ये भी तुम्हारा एक पैरेललोग्राम है। आगे आते हैं, यहाँ पे पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब मैंने हमेशा समझाया, जैसे ये लाइन है ए बी, अगर यहाँ पे कोई चीज़ इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये 2 इक्वल हिस्सों में टूटी जा रही है। मतलब ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल हिस्सों में टूटना। ईच डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू इक्वल ट्राइंगल, मतलब ये जो डायगोनल है इसके वजह से ये जो 2 ट्राइंगल बने, मतलब ये ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और ये डायगोनल के वजह से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। तो जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये तो तुम लोगों को पता है भाई। अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये 5 तो ये 5, ये 4 तो ये 4, और अपोजिट एंगल मतलब अगर ये 60 तो ये भी 60, और इसकी जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट मतलब ये और ये बाजू बाजू वाले, ये 180 बनाते हैं। 180 मतलब ये अगर 60 तो ये 120। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और उसका जो एडजेसेंट एंगल मतलब बाजू बाजू वाले एंगल होते हैं वो टोटल 180 डिग्री बनाते हैं। मतलब अगर ये 60 है तो ये 180 माइनस 60 दैट इज 120 हो जाएगा। आइए आगे ट्रेपेजियम पे। अभी ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 साइड पैरेलल है पर 2 साइड एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। मतलब ये एक पैरेललोग्राम तो नहीं है बट ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 2 साइड एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। थ्योरम 1 पे आते हैं। थ्योरम 1 में अपन को क्या बोला है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अपन को इस थ्योरम में प्रूव करना है कि जो तुम्हारे एक पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चलो अपन प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्या गिवन है कि भाई ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स है ये ए सी और ये भाई बी डी और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। अपन को प्रूफ क्या करना है कि भाई ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी और बी ओ डी इज इक्वल्स टू बी ओ, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब 2 इक्वल हिस्सों में टूट रहे हैं। प्रूफ कैसे होगा? चलो प्रूफ करते हैं। भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये अपन को पता है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की तो भाई ऑपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मैंने लिखा भाई ए बी इज इक्वल्स टू तुम्हारा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, भाई ये सी डी और ए बी पैरेलल है। ये तुमको दिख रही है ए सी, ये ए सी ऐसे बन रही है, मतलब ये तुम्हारी ट्रांसवर्सल है। मैंने समझाया था दो लाइन के अगर एक, दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन क्रॉस करती है तो वो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जब भी दो पैरेलल लाइन आए और एक ट्रांसवर्सल आए तो तुम लोगों को जेड यू एफ एक्स याद आना चाहिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इसमें अपन लोगों को क्या दिख रहा है? इसमें अगर अपन लोग अच्छे से देखें तो अपन लोगों को दिख रहा है
ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये तुम्हारा Z बन रहा है। अगर ये Z बन रहा है मतलब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। क्यों Z बन रहा है? Z कब बनता है? जब दो लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। आगे देखते हैं कि भाई तुम्हारा ए बी इज इक्वल्स टू डी सी भी है। क्यों तुम्हारा ए बी इज इक्वल्स टू डी सी है? क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। तो अब देखो, अब ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल और जो तुम्हारा ट्राइंगल है सी ओ डी, एंगल ए ओ बी और सी ओ डी, ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी में अपन ने अभी तक क्या क्या देखा? अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है। और तुमको दिख रहा है ये एक्स बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल एंगल साइड, ये एक एंगल फिर एक और एंगल और एक साइड, एंगल एंगल साइड से तुम लोग ये बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब सी पी सी टी से अपन ये बोल सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी मतलब क्या होता था? अगर तुमने ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया तो उसके बाद जैसे तुमने ए ए एस से इक्वल प्रूफ किया तो एक एंगल बचा और दो साइड बची, तो जो एक एंगल और दो साइड्स बची है ना वो भी दूसरे वाले ट्राइंगल के एक एंगल और दोनों साइड से इक्वल ही होगा। मतलब यहाँ पे ए ओ किसके बराबर होगा? ओ सी के, और ओ बी किसके बराबर होगा? ओ डी के। तो ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी और तुम्हारा ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। मतलब हैंस प्रूफ कि तुमको यही प्रूफ करना था ना कि ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते ही नहीं तो ये दोनों इक्वल होते ही नहीं। हैंस प्रूफ कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। आते हैं थ्योरम नंबर टू पे। थ्योरम नंबर टू में क्या बोला है? इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसा बोले क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं बोला है, क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें बोला है दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। बोला है प्रूफ करो कि वो एक क्या है? पैरेललोग्राम है। चलो प्रूफ करते हैं। अपन के पास ए बी सी डी और यहाँ पे ओ, तो अपन देखते हैं एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में क्या इक्वल है? ये दोनों इक्वल है। तो भाई ओ बी इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये एक्स है। कैसे एक्स है? तुमको कैसे पता चला? कि क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ये डायगनल्स, जो डायगनल्स है वो एक दूसरे के क्या है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो पता है। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी प्रूफ हो गया, मतलब ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी एक दूसरे के इक्वल हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, अपन ने क्या प्रूफ कर दिया कि भाई ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल है तो सीपी सीके से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा ये नहीं दिया हुआ कि ये दोनों पैरेलल है तो तुम लोग क्या कर सकते हो? तुम लोग ये, अब तुमको प्रूफ ही ये करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब भी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना हो ना, तुमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा बताएं? कि जेड के जो दो एंगल है ना वो इक्वल है। तुमने बाय सीपीसीटी ये प्रूफ कर दिया कि जेड के ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर जेड के ये दोनों एंगल इक्वल है तो जेड कब बनता है? जब दो लाइन पैरेलल होती है। मतलब यहां पे तुम्हारी जो तुम्हारी लाइन है ए बी वो तुम्हारी सी डी से क्या होगी? पैरेलल होगी। वापस समझना मैंने क्या बताया। मैंने पहले ये दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ किया। ये दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करने के बाद मैंने क्या किया? ये दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करने के बाद मैंने ये बोला कि सी पी सी टी से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। तो यहाँ पे जेड बन गया। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो जेड कब बनता है? जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल की प्रूफ कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो अपन ने थ्योरम वन में पढ़ा कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सेकंड में अपन ने पढ़ा कि भाई तुम्हारे जो पैरेललोग्राम है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पार्ट खत्म हुआ। आगे अपन लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे और सम्स देखेंगे। ठीक है।